बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और सिक्स पैक पाने की चाहत तो हम सभी की होती है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप फिट रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं और मसल ग्रोथ और बॉडी स्ट्रेंथ के लिए फुल्ली डेडिकेटेड हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास वर्कआउट के लिए समय नहीं है या फिर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिक्स पैक के साथ ही फुल बॉडी के लिए मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज यानी प्लैंक के बारे में बताएंगे। सिर्फ एक एक्सरसाइज प्लैंक से ही आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलेगा। आप पहले से ही वर्कआउट कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप ये जान सकें कि प्लैंक का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एब्डोमिनल मसल्स के लिए क्रंचेस को ही मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट माना जाता है। सिक्स पैक पाने के लिए ऑलमोस्ट सभी क्रंचेस वर्कआउट पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। सिक्स पैक के लिए क्रंचेस इफेक्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसे एब्डोमिनल मसल्स के लिए ओनली इफेक्टिव एक्सरसाइज मानना गलत है, क्योंकि प्लैंक भी एब्डोमिनल मसल्स के लिए उतना ही इफेक्टिव है जितना कि क्रंचेस। बस शर्त यह है कि प्लैंक एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसे परफेक्ट वे में करना होगा। अगर आप क्रंचेस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आपको प्लैंक शुरू क्यों करना चाहिए? क्रंचेस स्पेशली एब्डोमिनल मसल्स एक्सरसाइज ही है, इसके बावजूद यह आपको सभी एब मसल्स को टारगेट नहीं करता है। वहीं प्लैंक्स एब्डोमिनल मसल्स के साथ ही कोर मसल्स और फुल बॉडी को टारगेट करता है, जिस वजह से इस एक एक्सरसाइज से ही आपको फुल बॉडी बेनिफिट मिलेगा। प्लैंक को प्रेफर करने का एक और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इसके लिए न तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और न ही कोई स्पेशल ट्रेनिंग, किसी हार्ड वर्क की भी जरूरत नहीं होगी। रोजाना सिर्फ एक मिनट प्लैंक से ही आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आने लगेंगे। प्लैंक से होने वाले बेनिफिट्स जानने से पहले ये जान लीजिए इसे करना कैसे है। सभी एक्सरसाइज के मुकाबले प्लैंक वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज है, जिसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। वैसे तो प्लैंक में कई अलग अलग पोजीशंस हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपको शुरू कहां से करना है? सबसे पहले पुशअप पोजीशन में जाएं, फोर आर्म को ग्राउंड पर रखें। आपका आर्म शोल्डर से सीधे 90 डिग्री में होना चाहिए। गर्दन को बॉडी के बराबर में रखें और नजर ग्राउंड पर ही रहे। दाएं बाएं या आगे नहीं देखना है। सांस ना तो रोकना है और न ही तेजी से लेना है। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। अब आपको इस पोजीशन में खुद का बॉडी वेट होल्ड करना है। आपकी बॉडी का सारा वेट हाथों पर ही होगा, जिस वजह से शुरुआत में बॉडी होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शुरुआत में आप 20 से 30 सेकंड तक भी प्लैंक कर सकते हैं तो ये काफी है। धीरे धीरे आपको टाइमिंग बढ़ाना है और एक मिनट तक लेकर जाना है। एक मिनट ही आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट होगा और एक मिनट प्लैंक से ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आप अपनी बॉडी को एक मिनट से ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कोशिश करते रहें कि आप अपनी टाइमिंग को डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और अगर आप चाहें तो दो मिनट के बाद दूसरे प्लैंक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग प्लैंक पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। प्लैंक में सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक ये है कि ज्यादातर लोग लोअर बैक को लूज कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। आपका लोअर बैक और शोल्डर्स एक बराबर होना चाहिए। प्लैंक के क्या बेनिफिट्स हैं? इम्प्रूव पोस्चर। जब आप कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका प्रेशर स्पाइन पर भी पड़ता है। प्रेशर की वजह से स्पाइन इंजरी या बैक पेन हो सकता है, जबकि प्लैंक की वजह से स्पाइन इंजरी या बैक पेन का कोई खतरा नहीं रहता। इवन ज्यादा देर तक बैठे रहने से आपको बैक पेन होता है, तो प्लैंक की मदद से इससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। प्लैंक की वजह से आपका बैक मसल स्ट्रांग होता है, जिससे आपका पोस्चर भी इम्प्रूव होगा और बैक पेन से भी राहत मिलेगी। इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ। बॉडी स्ट्रेंथ के लिए लोग कई अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, और ये सही भी है, लेकिन अगर आप प्लैंक के बाद दूसरे हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि प्लैंक की वजह से आपका बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा और फिर आप हेवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। प्लैंक सभी मेजर कोर मसल्स को टारगेट करता है। कोर मसल्स के साथ ही एब्डोमिनल मसल्स को भी टारगेट करता है, जिस वजह से बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही एब्स भी डिफाइन होता है। बूस्ट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। प्लैंक एक टाइम पर ही पूरी बॉडी का टारगेट करता है। एक ही समय में पूरी बॉडी को टारगेट करने की वजह से कम समय में ही ज्यादा कैलोरी बर्न होता है। ज्यादा कैलोरी बर्न की वजह से तेजी से मसल्स बिल्डअप होते हैं। बॉडी में फैट जितना कम और मसल्स जितने ज्यादा होंगे, मेटाबॉलिज्म उतना ही बेहतर होगा। एनहांस ओवरऑल बॉडी बैलेंस। प्लैंक से एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होते हैं। बॉडी बैलेंस के लिए काफी हद तक एब्डोमिनल मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होगा तब आपका बॉडी बैलेंस भी बेहतर होगा,
और अदर एक्सरसाइज के साथ ही स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भी आप बेहतर कर सकेंगे। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। प्लैंक की मदद से आप स्ट्रेस से भी छुटकारा पा सकते हैं। दिन भर की बिजी शेड्यूल की वजह से मसल्स टाइट हो जाते हैं और मसल्स के साथ ही ब्रेन भी टेंस्ड हो जाता है। जब आप प्लैंक करते हैं तब बॉडी मसल्स में स्ट्रेच आता है। मसल स्ट्रेच होने की वजह से ब्रेन से टेंशन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है और आपका ओवरऑल मूड इम्प्रूव होता है। तो आप कब से प्लैंक शुरू कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।